वेलकम टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन एंड लेट अस नो इन द कमेंट विच रेसिपी यू वांट. टुडे रेसिपी इज नान खटाई बाय सेफ अंजना गुप्ता. इन द मीन टाइम प्लीज टेक योर टाइम टू सब्सक्राइब. थैंक यू. एंजॉय द वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड अंजना गुप्ता. अंजना की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो आज मैं बनाने जा रही हूं नान खटाई, जो कि बहुत ही मैंने इजी प्रोसेस से बनाया है और इसको बनाने में इंग्रेडिएंट में बहुत कम लगते हैं, जो आपको घर में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी. तो इसलिए आपको भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना नान खटाई. सबसे पहले मैं कढ़ाई में ही नान खटाई बना रही हूँ. तो सबसे पहले मैंने गैस को के ऊपर कढ़ाई रख दी है. कढ़ाई मैंने पुरानी रखी है, ताकि जो है ये केवल बेकरी में ही मैं यूज़ करती हूँ. तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी. कढ़ाई को रखी, मैंने गैस को ऑन कर दिया. इसको प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया. इसको 10 से 15 मिनट तक इसको प्री हीट करते हैं ये. इसके बाद मैंने इसमें इसको स्टैंड रख दिया है. अगर आपके पास स्टैंड ना, तो आप कोई कटोरी या कोई इस तरह का भी आप जो है ये रख सकती है, ताकि थोड़ा सा इसको जो है ये हाई हो जाए कढ़ाई से. बस इस तरह इसको बेक करना है. अब मैं इसको मिडिल फ्लेम पे करके इसको गैस को छोड़ देती हूँ और तब तक मैं इसकी तैयारी कर देती हूँ नान खटाई बनाने की. तो फ्रेंड, सबसे पहले जो है मैंने एक बाउल ले लिया है. बाउल में मैंने एक बाउल जो है मैंने मैदा ले लिया है. ये फ्रेंड, ये एक बाउल मैंने मैदा ले लिया है. हाफ बाउल मैंने जो है बेसन ले लिया है. ये फ्रेंड, ये मैंने हाफ बाउल जो है मैंने बेसन ले लिया है. इसमें जो है मैंने 4 टीस्पून के नियर अबाउट मैंने सूजी डाल दिया है, या 2 टेबलस्पून आप समझिए. अब मैं इसमें जो है 1 टीस्पून के नियर अबाउट मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ. फ्रेंड, ये जो है जो ड्राई मटेरियल होता है उसको अच्छे से छान लेते, ताकि कोई भी लम्स ना पड़े. ये फ्रेंड, इस तरह करके इसको जो है अच्छे से छान लेते हैं. फ्रेंड्स, अब ये देखिए, बेसन सूजी मैदा और जो मैंने बेकिंग पाउडर लिया था, ये सब मैंने अच्छे से छान लिया है. छानना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो जब आप बेकरी करेंगे तब जो है बहुत इसमें जो है गुटके से आएंगे. तो इसलिए इसको मैंने छान के अलग कर लिया है. अब इसके बाद जो है मैं इसको एक दूसरा बाउल लेती हूँ और इसमें मैं जो है मैंने हाफ बाउल जो है मैंने इसमें घी लिया है. ये मैंने देसी घी लिया है. आप चाहें तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं, या आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं. तो आपको जो आपको सुविधा रहे, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वही चीज़ लीजिए. तो फ्रेंड, इसमें मैंने हाफ बाउल जो है मैंने घी लिया हुआ है और एक बाउल के नियर अबाउट मैंने इसमें चीनी लिया. ये पीसी चीनी है, घर की पीसी चीनी है. इसको जो है फ्रेंड्स, अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूंगी. फ्रेंड्स, अब ये देखिए जो है ये कितने अच्छे से ये फिट गया है. ये घी और चीनी को मैंने खूब अच्छे से ये बिल्कुल, जब आप फेटेंगे तो बिल्कुल ये फ्लफी सा हो जाता है. ये देखिए ये फ्रेंड, अब इसमें जो मैं धीरे धीरे करके जो है इसमें मैं जो मैंने बेसन सूजी और मैदा छाना था, ये धीरे धीरे करके मैं इसमें एडअप करती जाऊँगी. ये फ्रेंड, ये धीरे धीरे करके मैं इसमें एडअप करती जाऊँगी. आप जो है इसको जो है हाथ से जो है इसको धीरे धीरे जो है मिलाते रहते हैं. फ्रेंड, ये इसको धीरे धीरे जो है हाथ से ये फ्रेंड, इसको बहुत ज्यादा नहीं मसलते. अगर आप बहुत ज्यादा मसल देंगे, आटे जैसा गूंद देंगे, तो आपकी नान खटाई जो है बिल्कुल भी फूलेगी नहीं. इसलिए इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से जो है इसको जो है मसलते रहते हैं ये फ्रेंड, इस तरह करके. फ्रेंड्स, ये देखिए जो है ये कितना अच्छा सा मिक्सचर बनके तैयार हो गया. इसी स्टेज पे फ्रेंड, मैंने ये पीसी इलायची पीसी थी, ये मैं इसको डाल दे रही हूँ. ये पीसी इलायची जो है मैंने 6 से 7 मैंने पीसी इलायची डाली हुई है इसमें. इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है. इसमें जो है 8 से 10 पीसी इलायची इसमें डाल दिया है. इससे इलायची का फ्लेवर जो है फ्रेंड इसमें बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड. और ये देखिए फ्रेंड, जो है इसमें जो है बहुत अच्छा सा मिक्सचर जो है तैयार हुआ है. अगर आपके
जो मेजरमेंट है थोड़ा सा, अगर इसमें से ड्राई होता है तो आप इसमें जो है 2-3 टीस्पून के नियर अबाउट जो इसमें वार्म मिल्क मिला सकते हैं। अब फ्रेंड में जो इसको जो है छोटे छोटे से बाउल बना के जो है इसके नान खटाई का शेप दे रही हूँ। फिर से अब मैं ये एक प्लेट तैयार कर रही हूँ, इसी में मैं नान खटाई बनाऊंगी। तो इसको मैं जो है देसी घी लगा के इसको जो है मैं अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ। ये फ्रेंड इस तरह जो है इसको जो है अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि नान खटाई जो है वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। फ्रेंड इस तरह करके मैंने जो है अच्छे से प्लेट को ग्रीस कर दिया है। फ्रेंड अब मैं इसके छोटे छोटे से बाउल बना के इसमें जो है ये इस तरह का फ्रेंड्स, अब ये मैं छोटे छोटे जो है नान खटाई को इसका शेप दे दूंगी। फ्रेंड इसको जो है थोड़ा सा चपटा कर लेते हैं। और फ्रेंड आप डिज़ाइन तो चाहे आप ऐसे थम से भी आप इसको क्रश कर सकते हैं और इसमें आप ड्राई फ्रूट्स लगा दें। ये आप ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो आप वो लगाइए। ये फ्रेंड इस तरह भी आप नान खटाई का आप शेप दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए तो फ्रेंड इसको जो है इस तरह का करके आप इसको पहले छोटे सा बाउल बनाइए और उसके बाद जो है इसको जो है थोड़ा सा चपटा कर दीजिए। ये फ्रेंड अब इसको अगर आप चाहिए तो आप इस तरह के भी डिज़ाइन आप बना सकती हैं इस पर। ये फ्रेंड ये फ्रेंड इस तरह का भी आप डिज़ाइन बना सकती हैं। आपको जो भी डिज़ाइन अच्छी लगे या आपको जो भी डिज़ाइन कंफर्ट लगे आप उस हिसाब से अपनी डिज़ाइन जो है आप बना सकती हैं नान खटाई की। फ्रेंड इस तरह करके मैं सारे जो है बाउल जो है वो नान खटाई के तैयार कर लूँगी। फ्रेंड ये इस तरह करके मैं मुझे ये डिज़ाइन पसंद है इसलिए मैं इस तरह की सारी डिज़ाइनें जो है मैं नान खटाई में बना रही हूँ। ये फ्रेंड्स इसको जो है थोड़ी दूर दूर पे रखते हैं क्योंकि जब फूलती है तो ये आपस में चिपक जाए, इसके लिए इसको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे ही रखते हैं। फ्रेंड ये इस तरह करके इसको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे इसको बनाते जाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए जो ये मेरी नान खटाई है अब ये बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको जो है बेक करने के लिए कढ़ाई में रखने जा रही हूँ। इसको जो है मिडिल फ्लेम पे ही पकाते हैं। फ्रेंड ये जो है कढ़ाई चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए इसको आप बहुत ही सावधानी से इसको आराम से रखिएगा ताकि ये जो है अच्छे से रखा जाए। फ्रेंड्स ये कढ़ाई पे मैंने नान खटाई को रख दिया है, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। इसको कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं पकाते, हाई फ्लेम पे पकाने से वो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इसको मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकाते हैं। तो फ्रेंड इसको जो है ये कवर कर देते हैं लीड से। फ्रेंड्स अब ये देखिए नान खटाई कितनी अच्छी फूलने लगी है, देखिए इसका कलर भी आ गया है। इसको 5 मिनट तक ढककर और पकाते हैं जिससे कि इसमें ऊपर भी कलर आ जाए। फ्रेंड इसके बाद जब ये ठंडी हो जाती है तो इसको जो है प्लेट में निकालते हैं क्योंकि अगर आप गरम गरम निकालेंगे तो ये नान खटाई इतनी सॉफ्ट होती है कि ये टूट जाती है। फ्रेंड्स अब ये मेरी नान खटाई बनके तैयार हो गई है। ये देखिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही है, दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही खाने में भी सुंदर है। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल ये पसंद आता है, मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।